सोलो so, एवरीवन कैसे हो आप सब होप करता हूँ आप लोग सारे अच्छे हो तो भाई फ़ाइनली किया सोनेट कंपनी की तरफ से रिवील कर दी गई है भाई गाड़ी का जो प्राइस है वो 2024 में आने की उम्मीद है भाई इस महीने तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही है कि गाड़ी का प्राइस आए बाकी गाड़ी की जो बुकिंग है वो 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी तो भाई जो मेरा भाई गाड़ी लेने का प्लान कर रहा है अपने नियर बाय डीलरशिप पर जाके बुकिंग करवा सकता है बुकिंग जो है वो आप लोगों को बीस दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आप लोगों को क्या कुछ नए नए फीचर्स गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं कैसा एक्सटीरियर होने वाला है कैसा इंटीरियर होने वाला है भाई वीडियो से जुड़े रहना बिल्कुल भी स्किप मत करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं भाई बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की तो भाई आप लोगों को फ्रंट में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को बड़ी बड़ी डियारल्स इस बार देखने को मिल रही हैं और साथ ही साथ फॉग लैंप भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को एलईडी के अंदर ही सब कुछ देखने के इस बार मिलने वाला है भाई साथ साथ ही आप लोगों को इस बार जो डायमंड कट का डिजाइन है वो बहुत ही बढ़िया डिजाइन मिलने वाला है भाई गाड़ी की अगर थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा देते तो भाई बहुत ही प्यारा गाड़ी का लुक होता भाई गाड़ी के अंदर आप लोगों को सन देखने को मिलती है जैसी पहले मिलती थी बट आप लोगों को इस बार वॉइस कंट्रोल सन मिलेगी और वॉइस आप लोग हिंदी या इंग्लिश दोनों ही आप लोग लैंग्वेज में कंट्रोल कर सकते हैं अपने सनरूफ को भाई बात करते हैं गाड़ी के अडास फ़ीचर्स की तो भाई आप लोगों को अडास फ़ीचर्स लेवल वन का इस बार कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है भाई सेफ्टी फ़ीचर्स आप लोगों का बहुत ही बढ़िया है भाई पच्चीस सेफ्टी फ़ीचर्स हैं तो भाई साथ ही साथ आप लोगों को फ्रंट की जो ग्रिल्स हैं उसके अंदर क्रोम लगा के बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन कर दिया गया है फ्रंट का बोनट पहले के मुकाबले ही सेम है कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है बात करते हैं रियर लुक्स की तो भाई रियर में आप लोगों को कनेक्टेड टेल लैंप मिल रही है तो भाई कनेक्टेड टेल लैंप आप लोगों को नाइट के टाइम में क्या ही लुक देती है भाई बहुत प्यारा लुक आता है इसको रात के टाइम पर भाई बात करते हैं गाड़ी के डिजिटल क्लस्टर के बारे में तो भाई आप लोगों को ब्लाइंड व्यू मोनिटर बी जो है वो इस बार गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाला है भाई बहुत ही प्यारा गाड़ी का क्लस्टर इस बार दिया जा रहा है भाई आप लोग ध्यान से देख सकते हैं क्लस्टर के अंदर की आप लोगों को 17.5 किलोमीटर पर लीटर की जो माइलेज है वो इस बार पेट्रोल गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाली है भाई बता देते हैं गाड़ी जो है वो आप लोगों को पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन के, के अंदर मिलने वाली है तो भाई जो मेरा भाई पेट्रोल में लेना चाहता है पेट्रोल में ले ले डीजल में लेना चाहता है डीजल में दोनों ही ऑप्शन आप लोगों के सामने रखे गए हैं भाई सी का ऑप्शन अभी तक तो नहीं आया है भाई उम्मीद है कि कुछ टाइम बाद गाड़ी के अंदर सी का ऑप्शन जो है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाए भई आप लोगों को इस बार स्मार्ट प्योर एयर प्योरीफायर विद वायरस एंड बैक्टीरिया प्रोटेक्शंस कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ आप लोगों को इस बार वायरलेस चार्जर जो है वो भी देखने को मिल रहा है तो भाई बहुत सारे फीचर जो है वो इस बार कंपनी ने आप लोगों को किया सोनेट के अंदर दिए गए हैं भाई साथ ही साथ आप लोगों को फ्रंट की तरफ आर्म रेस्ट देखने को मिलता है टॉप एंड वेरियंट के अंदर भाई सोनेट फेस के अंदर छः ईयर देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को सवा दस इंची की इन्फोटेमेंट डिस्प्ले जो है वो भी देखने को मिलेगी भाई उसी के आप लोगों को कंट्रोल्स हैं ए के वो भी मिलेंगे साथ ही साथ ए सी का जो लुक है वो पहले के मुकाबले अच्छा कर दिया गया है इस बार तो भाई वीडियो करते हैं यहीं एंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी भाई अगर आप लोगों को किया सोनेट से रिलेटेड कोई और भी डाउट्स हैं तो आप लोग अपने डाउट्स कमेंट में जाके बता सकते हैं हम आप लोगों के सारे डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे भाई उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना कॉमेंट करना हमारे चैनल अनिल सिंह को सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय